हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आरजे अंकुर। दोस्तों, कांग्रेस तो डूबी है, साथ में गांधी परिवार भी, लेकिन फिर से ओबामा के निशाने पर गांधी परिवार आ चुका है। ओबामा ने अपनी किताब में लिखा कि सोनिया गांधी ने मनमोहन को इसलिए चुना क्योंकि वो राहुल गांधी के लिए खतरा नहीं थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब में ए प्रोमिस लैंड एक हफ्ते में दूसरी बार चर्चा में है। किताब के एक हिस्से में सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी का जिक्र है। ओबामा के मुताबिक सोनिया ने मनमोहन सिंह को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि वो चाहती थी कि राहुल गांधी के लिए भविष्य में कोई चुनौती खड़ी ना हो सके। चार दिन पहले इसी किताब का एक और हिस्सा सामने आया था। इसमें ओबामा ने कहा था कि राहुल उस स्टूडेंट की तरह है जो टीचर को इम्प्रेस करने के लिए उत्सुक है, लेकिन सब्जेक्ट का मास्टर होने के मामले में योग्यता या जुनून की कमी है। यह राहुल गांधी की कमजोरी है। ओबामा ने इस किताब में भारत के आर्थिक विकास के बारे में भी कुछ कहा। ओबामा के मुताबिक 1990 के दशक में भारत मार्केट बेस्ड इकोनॉमी था, मिडिल क्लास तेजी से ग्रोथ कर रहा था। इसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अहम योगदान था। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए काफी मेहनत और कोशिश की। उनके बारे में कहा जाता है कि वे भ्रष्ट नहीं थे। ओबामा के मुताबिक 26/11 के हमले के बाद मनमोहन पर पाकिस्तान के खिलाफ हमले का दबाव था, इसका उन्हें सियासी तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती गई। ओबामा के मुताबिक भारत की राजनीति पर अब भी धर्म और जाति हावी है, और जो कि सच है, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि इस वजह से मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके पीछे वजह कुछ और थी। ओबामा ने सोनिया की मंशा पर भी सवाल उठाए थे। ओबामा लिखते हैं कि कई सियासी जानकार मानते हैं कि सोनिया ने मनमोहन को बहुत सोच समझ कर पीएम बनाया था। मनमोहन सिंह का कोई पॉलिटिकल बेस भी नहीं था, सच्चाई कुछ और है। दरअसल सोनिया नहीं चाहती थी कि उनके 40 साल के पुत्र राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य का कोई खतरा हो। वे राहुल गांधी कांग्रेस की कमान सौंपने के लिए भी तैयार कर रही थी। ओबामा ने एक डिनर का जिक्र भी किया है। यह ओबामा के सम्मान में मनमोहन सिंह ने होस्ट किया था। सोनिया और राहुल इसमें शामिल हुए थे। ओबामा लिखते हैं कि सोनिया बोलने से ज्यादा सुनना पसंद कर रही थी। जैसे ही पॉलिसी मैटर की तरफ बात होती तो वो बातचीत का रुख अपनी बेटी की तरफ मोड़ देती। अब मेरे सामने साफ हो गया था कि सोनिया इंटेलिजेंट है और इसे जाहिर भी कर देती है। राहुल स्मार्ट और जोशीले दिखे। उन्होंने मेरे 2008 के इलेक्शन कैंपेन के बारे में भी सवाल किए। ओबामा आगे लिखते हैं कि मैं जानता था कि पद से हटने के बाद मनमोहन सिंह के साथ क्या होगा। क्या वे सत्ता राहुल को सौंप देंगे, यानी वही करेंगे जो राहुल के लिए सोनिया ने सोच रखा है, या कांग्रेस के दबदबे को भाजपा चुनौती देगी।